दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके कान में कीड़ा चला जाए तो आपको कैसे उसे बाहर निकालें। क्योंकि जब कान में कीड़ा चला जाता है तो हम सबसे पहले आसपास घर वाले होते हैं, उसके परिजन होते हैं, वही कोशिश करते हैं कि कान का कीड़ा घर पर ही निकाला जाए, हॉस्पिटल उनको बाद में लेके जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि उस कीड़े को कैसे बाहर निकाला जाए और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है उस कीड़े को निकालते समय अपने कान में। दोस्तों, अगर आपके कान में अगर कोई कीड़ा चला जाता है तो हम सबसे पहले ये गलती करते हैं कि हम उस कान में पानी डालते हैं, उसको लिटाते हैं और कान को पूरा पानी से भर देते हैं और हमें वेट करते हैं कि कीड़ा कब पानी इसके ऊपर आएगा, हमें दिखेगा, हम उसको पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, आपको कान के अंदर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए और स्पेशली उस टाइम पर जब आपके कान के अंदर एक लिविंग पार्टिकल यानी एक जिंदा कीड़ा अगर आपके कान के अंदर रेंग रहा है तो आपको पानी कभी नहीं डालना चाहिए। इतना तो आपको पता ही है दोस्तों कि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है और जब ऑक्सीजन होगी तो वो कीड़ा मरेगा ही नहीं। तो आप बेस्ट एडवाइस यही है कि जब आपके कान में कीड़ा चला जाए तो आपके घर में जो ऑयल है, मिनरल ऑयल, वो आप डाल सकते हैं। कुछ लोग आपने घरेलू नुस्खे देखे होंगे कि सरसों के तेल में एक लहसुन की कली को डालते हैं, उसे गर्म करते हैं और गर्म गर्म तेल कान के अंदर डाल देते हैं। इससे दोस्तों आपके कान का जो पर्दा है, जो आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है जिसे आप सुनते हो दोस्तों, वो आपका डैमेज हो जाएगा। तो आप कभी भी आपके कान के अंदर आपको गरम गरम या ज़्यादा ठंडा तेल, पानी, ऐसा कुछ नहीं डालना है। अगर आपके कान में कभी कोई जिंदा कीड़ा गिर जाता है तो एक अच्छा जो मेडिकल या क्वालिफाइड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो सबसे पहले यही ट्राई कर उस कीड़े को कान के अंदर ही मारा जाए, फिर उसे निकाला जाए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर कान के अंदर जिंदा कीड़ा दिख जाता तो कान के अंदर फोर्सेप्स डाल के उस कीड़े को पकड़ने की कोशिश करते और वो कीड़ा आपके कान के अंदर इधर उधर रेंग रहा होता है तो वो अपने कीड़े के पीछे पीछे अपनी जो फोर्सेप्स होती है उसको भी आपके कान के अंदर रेंगा रहे होते हैं। और गलती से भी अगर उनकी जो फोर्सेप्स अगर आपके कान के पर्दे पे टच हो जाएगी दोस्तों, तो आपका कान का पर्दा फट जाएगा। अगर उन्होंने उस कीड़े को पकड़ भी लिया अपने फोर्सेप के अंदर और गलती से उस कीड़े ने अगर आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको अगर पकड़ लिया और फोर्सेप्स जैसे ही बाहर खींचेगा और कीड़ा अपने साथ आपके जो कान का जो पर्दा है, आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, उसको खींच के अपने साथ बाहर ले आएगा। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपके कान के अंदर कोई कीड़ा चला जाए तो बेस्ट एडवाइस ये कि आप अपने कान के अंदर हमेशा ऑयल डालें। ऑयल चाहे सरसों का ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, या आपके घर में जो भी जो ऑयल अवेलेबल है, क्योंकि ऑयल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, वो कीड़ा सांस नहीं ले पाएगा, वो कीड़ा मर जाएगा और मरने के बाद आप उसे सिरिंजिंग टेक्निक से भी आप उसको बाहर निकाल सकते हो। लेकिन जब कभी भी अगर आप जिंदा कीड़े को पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करोगे दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है आपके कान के पर्दे का। इससे जो आपकी जो श्रवण शक्ति यानी आपको जो सुनने की शक्ति है वो भी दोस्तों आप अपनी छोटी सी गलती की वजह से उसको भी आप खो दोगे। सिरिंजिंग टेक्निक, अगर कान में अगर कोई लिविंग पार्टिकल अगर अंदर है, कीड़ा वगैरह कुछ भी ऐसा है तो आपको कान के अंदर कभी भी आपको पानी नहीं डालना। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग पार्टिकल जैसे कोई दाने हुए, कोई कॉटन हुई, कुछ कंकड़ हुए, जो छोटे बच्चे अक्सर अपने कान में डाल देते हैं, ऐसे कुछ अगर आपके घर में छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग या किसी कान में अगर चले जाते हैं तो उसके लिए आप 10 से 20 ml की आप सिरिंज लें। सिरिंज के अंदर आप स्टराइल वाटर या हल्का गुनगुना पानी ऐसा होना चाहिए जिससे आपको उस पानी का टेम्परेचर पता नहीं चलना चाहिए। ना तो पानी आपको ठंडा लगना चाहिए, ना ही पानी आपको गर्म लगना चाहिए, यानी वो जो पानी है वो पानी आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। उसको आप सिरिंजिंग में भरें और हल्के से उसको धीरे धीरे पुश करें। दोस्तों, सिरिंजिंग का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर किसी ने भी सिरिंजिंग में अगर पीछे से आप जो निडल के पिस्टल को दबाओगे और प्रेशर अगर किसी ने ज़्यादा लगा दिया तो दोस्तों वो आपके कान के पर्दे को डैमेज करेगा। और दूसरा उसका साइड इफ़ेक्ट ये है सिरिंजिंग का कि सिरिंजिंग से आपको वैसोवेगल शॉक हो सकता है। वैसोवेगल शॉक यानी ये होता है कि एक हमारी नर्व होती है वेगस नर्व, जो हमारे उसकी एक ब्रांच हमारे हार्ट में भी जाती है। दोस्तों, अगर वैसोवेगल नर्व अगर स्टिमुलेट होगी तो वो आपके हार्ट रेट को कम करेगी और जब आपका हार्ट रेट कम होगा दोस्तों आप शॉक में जा सकते हो, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपके कान के अंदर, चाहे वो लिविंग पार्टिकल हो या नॉन लिविंग पार्टिकल हो, हमेशा आप किसी अच्छे मेडिकल या क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं और अपने कान को ज़रूर चेक करवाएं। दोस्तों, अगर ऐसी आपको और इन्फॉर्मेटिव हेल्थ वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल द हेल्थ वाला ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कुछ कमेंट हैं तो दोस्तों आप
प्लीज़ उन कमेंट को नीचे टाइप ज़रूर करें ताकि मैं उन कमेंटों का रिप्लाई भी दे सकूं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जिन पे चाहते हो कि हम उस पर को नेक्स्ट वीडियो लेके आए दोस्तों, तो आप टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।